लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं, साथ ही नेताओं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का दौर भी चरम पर है। हाल ही में एनडीए के साथ गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल की पार्टी बीजेपी के साथ आ गई। अब गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला भी बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। बैंसला ने बुधवार को दिल्ली में अपने बेटे विजय बैंसला के साथ बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने पिता पुत्र को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बता दें कि बैंसला गुर्जर समाज के बड़े और नामचीन नेता हैं। इन्हें गुर्जर आंदोलन का सबसे बड़ा अगुवा माना जाता है। बैंसला से पहले राजस्थान के एक और बड़े जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, लिहाजा बैंसला भी बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को राजस्थान में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अनिल जी, एक बार फिर किरोड़ी बैंसला भाजपा में। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी पार्टी आरएलपी उसको उन्होंने बीजेपी से जोड़ा है चुनाव की दृष्टि से जी। और बीजेपी ने उनको एक सीट दी है नागौर की। किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में शामिल हुए। किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक बार चुनाव टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था जी। और बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़के वो 300-400-500 कुछ ऐसे वोटों से हार गए थे लोकसभा का चुनाव जी। वो भी एक आखिरी मशीन थी जो बंद हो गई, खराब हो गई, बाद में खुली और ऐसे हार गए। नमोनारायण मीणा से हारे थे जो बाद में केंद्र में मंत्री बने जी। किरोड़ी सिंह बैंसला पटरियों पर बैठने, गुजरों को पटरियों पर लेके बैठने, रेल यातायात रोकने, सड़क यातायात रोकने, इन सब के लिए गुजर आंदोलन को लेकर, गुजर आरक्षण को लेकर पिछले एक दशक से चर्चित भी हैं, मशहूर भी हैं और विवादों के घेरे में भी हैं। और बीजेपी ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया जी। और बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी वापस लिया। बीजेपी ने उन्हें देशद्रोही माना, कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और लोकसभा का चुनाव लड़ाया। और फिर वो कभी बीजेपी के साथ और कभी कांग्रेस के साथ। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो धन्यवाद कर रहे थे, दो बार उनसे मिले धन्यवाद देने के लिए जयपुर में ही, कि उन्होंने 5% आरक्षण को इस तरह लागू कर दिया गुजरों के लिए। तो वे तो कांग्रेस में जाने को तैयार बैठे थे, उनकी कांग्रेस में बात चल रही थी। और बात चल रही थी तो बात ये थी कि वो टोंक सवाई माधोपुर लड़ना चाहते थे जी। चूंकि टोंक से सवाई माधोपुर से सचिन पायलट और हरीश मीणा दो विधायक हैं उस लोकसभा क्षेत्र के, और हरीश मीणा के बड़े भाई नमोनारायण मीणा हैं, पहले यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, वही वहाँ से लड़ना चाहते थे। और सचिन पायलट किरोड़ी सिंह बैंसला को टोंक सवाई माधोपुर से लड़ाने को तैयार नहीं थे, इसलिए बात लंबे समय तक अटकती रही। फिर बीजेपी बात चली, किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला को लड़ना चाहते थे, बात चल रही थी कि उनकी बेटी सुनीता बैंसला को लड़ाया जाए जो IRS हैं, पर सुनीता बैंसला अभी सर्विस में है, लंबे समय तक अभी सर्विस में और रह सकती हैं, तो उनके इस्तीफे देने का सवाल नहीं था। और फिर अजमेर की सीट पर इनको लड़ाने की बात चली कांग्रेस में, तो बीजेपी ने वहाँ जोनापुरिया को टिकट दे दिया टोंक सवाई माधोपुर। और फिर नमोनारायण मीणा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अब अजमेर की सीट पे किरोड़ी सिंह बैंसला लड़ना चाहते नहीं थे, पर उनको ये था एक प्रस्ताव कि अजमेर से लड़ लें, कांग्रेस के पास अजमेर में प्रत्याशी नहीं था उस समय, ऐसा माना जा रहा था। हालांकि रिजिजू झुंझुनवाला की बात उस वक्त भी हो चुकी थी कांग्रेस में, लेकिन एक ऑफर आई, किरोड़ी सिंह बैंसला दिल्ली गए मिलने के लिए, दिन भर उन्होंने इंतजार किया, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ व्यस्त थे टिकटों के बंटवारे में, वो उनसे बात नहीं कर पाए, किरोड़ी सिंह बैंसला वापस लौट गए। फिर किरोड़ी सिंह बैंसला की बात हो गई कांग्रेस में शामिल होने की, और कांग्रेस में शामिल होने की बात, और शायद वो अजमेर से उनका बेटा या बेटी चुनाव लड़े, इस बात के साथ वो यहाँ से जयपुर से रवाना हो गए दिल्ली के लिए। शाम को 5 बजे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था कांग्रेस में। दोपहर 2 बजे उनके पास सचिन पायलट का फ़ोन आया, जब वो बहरोड में थे, और हमारी जानकारी यह है कि सचिन पायलट ने उनसे कहा कि टिकट का कोई सवाल नहीं, मैं PCC चीफ हूँ, आप कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस में शामिल होइए, बाद में टिकट की बात होगी तो देखी जाएगी, पर किसी शर्त के साथ कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात पर बहरोड से ही किरोड़ी सिंह बैंसला लौट गए थे, उन्होंने काफ़ी हर्ट महसूस किया था, काफ़ी आहत महसूस किया था, और तभी से ये कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, तभी से हमें भी अनुमान हो गया था कि शायद वो अब कांग्रेस में कभी नहीं जाएंगे, और शायद अशोक गहलोत से भी अब उनकी मिलने की संभावना खत्म हो गई थी। तो उसके बाद अब सरकार भी उनसे जो बात कर रही थी गुजर आरक्षण के मसले पर, वो भी शायद गुजरों के केस वापस लेने के मामले में,
वो भी शायद अब बातचीत आगे चुनाव तक अब नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, और वो बीजेपी में चले गए तो बातचीत नए सिरे से नए तरीके से नई दृष्टि से देखी जाएगी। लेकिन उनके लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन था किसी एक पार्टी में जाने का, वो सड़क किनारे बैठे नहीं रह सकते थे, वो तमाशा नहीं देख सकते थे इस चुनाव में एक तरफ बैठकर। और जब कांग्रेस में उनके लिए टिकट की मनाही हो गई थी तो कांग्रेस में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था, भाजपा में चूंकि सारे टिकट बढ़ चुके हैं उनको कोई टिकट तो नहीं मिल रहा, लेकिन भविष्य की कोई संभावना भाजपा में उनकी हो सकती थी, इसलिए कि सचिन पायलट भी गुजर हैं। मैं ये नहीं कह रहा गुजरों के नेता हैं जी, वो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, पर चूंकि गुजर राजनीति में उनका वर्चस्व और उनका दखल जितना भी है जो भी है उसको किरोड़ी सिंह बैसला के कांग्रेस में आने से चुनौती मिलती जी। और किरोड़ी सिंह बैसला अब बीजेपी में रहकर उस दखल को उस वर्चस्व को चुनौती देंगे, तो पार्टी के अंदर उन्होंने सुनिश्चित किया सचिन पायलट ने कि एक ऐसा व्यक्ति ना आए जो गुजर समाज को दूसरी दिशा में ले आकर सड़क पर ले आकर खड़ा कर दे और वो कमांड ना कर पाए। तो किरोड़ सिंह बैसला ने भी ये उचित समझा कि इनके सामने वाली पार्टी के साथ जाकर खड़े हो जाएं ताकि खुले सड़क पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ सकें, गुजर नेतृत्व की लड़ाई लड़ी जा सके। अब आने वाले समय में मुझे चिंता इस बात की है, मैं एक पत्रकार के नाते एक जिम्मेदार नागरिक इस बात पर चिंतित हूँ, किरोड़ सिंह बैसला का जैसा स्वभाव है और जैसी गुजरों में उनकी फॉलोइंग है उस फॉलोइंग को देखते हुए उसको देखते हुए ये पोजीशन हो सकती है कि वो फिर सड़क पर बैठ जाएं किसी दिन किसी मुद्दे को लेके, मुकदमे वापस लेने की बात को लेकर, और सचिन पायलट से उनकी कमांडिंग पोजीशन को गुजरों में छीनने की कोशिश करें। और इस कशमकश में कहीं राजस्थान की शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था हट ना हो जाए, मुझे इसकी चिंता आज से लगने लगी है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में और बीजेपी हो सकता है किरोड़ सिंह बैसला को प्रोत्साहन दे ये सब करने के लिए ताकि कांग्रेस सरकार बदनाम हो, अशांति फैले और कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष जन्मे जनता में। ये तो मैं मतलब प्रतिपक्षी ऐसा करते हैं, कोई भी प्रतिपक्ष में होता तो मुझे अब आने वाले समय में आज किरोड़ सिंह बैसला की भाजपा में वापसी भविष्य की राजनीति के संकेत दे रही है। ये जिला प्रमुख के चुनाव होंगे तो, नगर पालिकाओं के नगर निगम के चुनाव होंगे तो, और ये मैं कहना चाहता हूँ एक खास बात कि इस बार दोनों किरोड़ी एक पाली में हो गए हैं जी, मीणाओं के किरोड़ी किरोड़ी डॉक्टर किरोड़ी मीणा और गुजरों के किरोड़ी किरोड़ी सिंह बैसला जी। ये आमने सामने भी रहे हैं, जब इन्होंने पूरा रास्ता बंद किया था नेशनल हाईवे तब किरोड़ी लाल मीणा भी वहाँ एक बार गए थे और बड़ा हंगामा मचा था, बड़ी पोजिशन खराब हुई थी। तो दोनों किरोड़ी एक साथ हैं क्या, दोनों किरोड़ी मिलकर के मीणा और गुजर समाज में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को खत्म कर पाएंगे, ऐसा माना जाता है राजस्थान की राजनीति में, जिधर जाट वोट देते हैं उधर राजपूत वोट नहीं देते, जिधर राजपूत देते हैं जाट नहीं देते, जिधर मीणा देते हैं उधर गुजर नहीं देते, जिधर गुजर देते हैं मीणा नहीं देते। सचिन पायलट के साथ कुछ मीणा ऐसे लीडर्स आ गए हैं कि अब गुजर मीणा साथ साथ वोट करने लगे हैं एक पार्टी को, रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, परसाई लाल मीणा, ये सब कांग्रेस में हो गए हैं, तो कांग्रेस में मीणा वोट भी पड़ रहा है गुजर वोट भी पड़ रहा है। यही स्थिति क्या बीजेपी में आ जाएगी कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा के फॉलोअर्स और किरोड़ी सिंह बैसला के फॉलोअर्स क्या एक साथ कदम ताल करेंगे बीजेपी में जी। ऐसा करेंगे तो एक जातीय वैमनस्य से मुक्ति प्रदेश को शायद मिले, गुजर मीणा वैमनस्य से मुक्ति मिले, प्रतिद्वंदिता से प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिले, ये एक शुभ संकेत भी हो सकते हैं। तो दोनों किरोड़ी का एक साथ होना क्या गुल खिलाएगा राजस्थान की राजनीति में, यह आने वाला वक्त बताएगा जी। चलिए एक किरोड़ी के बारे में बता दिया, दूसरा है जो हमारे किरोड़ी मीणा है वो उनकी जो नजर है दौसा की सीट पर काफी समय से है, लेकिन सूचना ये आ रही है कि वहां से जसकौर मीणा को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाना उन्होंने तय कर लिया। हालांकि अभी तक कोई घोषणा औपचारिक नहीं हुई है, लेकिन तय माना जा रहा है कि जसकौर जो मीणा है वो दौसा से भाजपा की प्रत्याशी होंगी, क्या कहेंगे इस पर? दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले सांसद भी रहे हैं और जिला प्रमुख भी रहे हैं, वहाँ से लालसोट से विधायक भी रहे हैं, महुआ से भी जी उनका परिवार का वर्चस्व रहा है। इस चुनाव में विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी गोलमा देवी हार गई चुनाव, उनका भतीजा हार गया महुआ से चुनाव, और रमेश मीणा से पराजय, ओम प्रकाश हुडला जिनका टिकट कटवाया उन्होंने बीजेपी में अपने भतीजे को दिलाया जी, वो निर्दलीय जीत गए और ओम प्रकाश हुडला की पत्नी को बीजेपी टिकट देने को तैयार हो गई लोकसभा चुनाव में दौसा से, तो वहाँ उन्होंने वीटो किया, रुकवाया,
वसुंधरा राजे जाती थी ओम प्रकाश हुडला की पत्नी को टिकट मिले, प्रेम प्रकाश हुडला को, किरणलाल मीणा ने वीटो कर दिया और रुक गया वो जी। क्योंकि ओम प्रकाश हुडला बीजेपी के टिकट पर लड़े हुए इनके भतीजों को हरा के आए थे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे, इनकी बात चल भी गई। पर ये खुद लड़े या गोलमा देवी लड़े इस पर पार्टी सहमत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इसलिए अब इनकी बात कितनी मानी जाए और इनके बात को माने बिना भी क्या पार्टी सर्वाइव कर पाएगी, इसका मूल्यांकन हो रहा है। और जसकौर मीणा को और रामकिशोर मीणा को, दो व्यक्तियों को बीच में लाया गया है कि इन दोनों में से शायद, ये दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। जसकौर मीणा दो बार सांसद रह चुकी हैं, केंद्र में राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो सवाईमाधोपुर से लड़ी थी पहले, तो उनको दौसा से लड़ा दिया जाए। क्या किरोड़ीलाल मीणा इस समझौते के नाम पर सहमत होंगे? हालांकि हम जानते हैं जसकौर मीणा का और किरोड़ीलाल मीणा का 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन उनके दो दुश्मन सामने, मुरारीलाल मीणा की पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं और हुडला की पत्नी को बीजेपी चुनाव लड़ाना चाह रही है, दोनों किरोड़ीलाल मीणा के तरह राजनीतिक रूप से जानी दुश्मन है। और किरोड़ीलाल मीणा इन दोनों को रोकने के लिए हो सकता है कि जसकौर मीणा या रामकिशोर मीणा के नाम पर सहमति दे दें। चांसेस जसकौर मीणा के ज़्यादा हैं, हो सकता है इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। और जसकौर मीणा आ जाएंगी तो ये हमारे लिए जानने की उत्सुकता जरूर रहेगी कि क्या उन्हें किरोड़ीलाल मीणा की सहमति से उम्मीदवार बनाया गया है या किरोड़ीलाल मीणा का उग्र और बागी तेवर फिर भी बरकरार रहता है, ये जानने की सभी को उत्सुकता रहेगी। मैं समझता हूँ, मुझे एक दृश्य याद आ रहा है जब किरोड़ीलाल मीणा को 10 साल पहले भाजपा छोड़नी पड़ी थी, पार्टी में उनके साथ न्याय नहीं हुआ था उस समय, तो जसकौर मीणा सारा वैमनस्य भुलाकर ढोल बाजे गाजे के साथ किरोड़ीलाल मीणा को उनके 2 नंबर आवास पर, हॉस्पिटल रोड के आवास पर पहुंची थी। और मेरे सामने का दृश्य वो कि जसकौर मीणा ने वहां के लॉन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कहा था कि डॉक्टर साहब आप कोई कदम उठाओ तो मैं आपके साथ हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब ने जो कदम उठाया उसमें बाद में जसकौर मीणा को अपने साथ नहीं रखा और जो आगे बढ़कर जसकौर मीणा ने हाथ बढ़ाया था एकजुटता का, वो उन्हें स्वीकार्य शायद नहीं था और उन्हें लगा कि जसकौर मीणा कमजोर हैं और उस कमजोर उनके साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में। तो जो भी उनकी राजनीति है उसमें एक दृश्य ऐसा भी आया था जब जसकौर मीणा उनके साथ मिलकर चलने को तैयार हो गई थी, आगे बढ़कर उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने आई थी। हो सकता है उस बात को याद करके डॉक्टर किरोलाल मीणा अब जसकौर मीणा को समझौते के प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लें। जी चलिए अनिल जी, समय थोड़ा कम है, चलते चलते बस मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि प्रदेश से पंकज चौधरी का नामांकन निरस्त हुआ है, जो बसपा से जैसलमेर बाड़मेर की सीट से प्रत्याशी थे। पंकज चौधरी आईपीएस थे, बर्खास्त किया उन्हें गृह मंत्रालय ने। अभी हाल ही में जिस तरह की पोस्ट वो लिख रहे थे, जिस तरह के कमेंट वो कर रहे थे सरकार पर, मंत्रियों पर, चीफ मिनिस्टर पर, सब चीज़ों पर, उसको देखते हुए बर्खास्त किया गया था। उनकी पत्नी जोधपुर से चुनाव लड़ रही हैं, वो बसपा के टिकट पर बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बर्खास्तगी का जिक्र नहीं किया था जी। इसलिए उनका नामांकन रद्द हुआ है। तो इस नामांकन के रद्द होने से वो, हालांकि आरोप कुछ भी लगाएं कांग्रेस बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन जो चूक है वो चूक है और उस चूक के आधार पर उनका नामांकन रद्द हुआ। तो अब वहाँ सीधी फाइट होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, मानवेंद्र सिंह और कैलाश चौधरी के बीच में। जी चलिए, फिलहाल सत्ता संग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई चुनावी खबरों के साथ। नमस्कार।